ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा उदयपुर भक्तवृंद, बेंगलोर भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबको बलराम पूर्णिमा रक्षाबंधन की लख लख बधाई हो। बलराम पूर्णिमा भगवान श्री बलराम जी का आविर्भाव का तिथि है और वैसे सामान्य रूप से सनातन इसको रक्षाबंधन के नाम से भी जाना जाता है। रक्षा का मतलब है रक्षा करने वाला, और बंधन का मतलब सूत्र बांधा जाता है जिससे रक्षा होती है। तो रक्षा कौन करेगा? असल में रक्षा करता है गुरु। किसकी? आत्मा की। कहाँ से? जाने से, अधोगति जाने से, जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकने से बचाता है। तो गुरु जी है, और सारे गुरुओं का आदि स्रोत बलराम जी है, वो आचार्य तत्व है। तो आज बलराम जी के इसी दिन पे बलराम जी के तत्व को समझेंगे, बलराम और बलराम जी की शिक्षाएं। तो पहले बलराम जी के तत्व का समझते हैं। तत्व का मतलब बलराम जी है क्या? जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो मुझे तत्व से, मेरे तत्व जन्म को जो तत्व से जानता है, मेरे अवतार लेने को जो तत्व से जानता है। तो ऐसे बलराम जी कृष्ण से अलग नहीं है। तो यहां एक बात आज समझनी चाहिए, हमारा कृष्ण भावना में मुख्य उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण के चरण चरणों में प्रेम की प्राप्ति करना, ये हमारा परम लक्ष्य है, ये पांचवा पुरुषार्थ है। हाँ, प्रेम पंचम पुरुषार्थ पुमार्थो महान, महाप्रभु ने कहा है। तो ये हमारे को कृष्ण प्रेम मिलेगा केवल महाप्रभु की, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही ये संभव है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के लीला चरितमृत में विशेष रूप से जितना बलराम जी का तत्व स्पष्ट रूप से बहुत साफ स्थापित किया गया है और कहीं नहीं है। तो श्री चैतन्य चरितमृत के आदि लीला में पांचवें अध्याय के 4 से 11 श्लोक तक बलराम जी के तत्व का श्रवण करेंगे, और फिर बलराम जी के लीलाओं का, के कुछ शिक्षाओं का श्रवण करेंगे। सर्वावतारी कृष्ण स्वयं भगवान। सर्व अवतारी मतलब जितने अवतार होते हैं, जितने अवतार होते हैं उन सब का स्रोत, उनका उद्गम स्थान वो है भगवान श्री कृष्ण। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। स्वयं भगवान श्री कृष्ण सब अवतारों का सार है, सब अवतार उनसे निकलते हैं। तहारा द्वितीय देह श्री बलराम। तहारा मतलब श्री कृष्ण का, द्वितीय देह मतलब दूसरा शरीर। शरीर हमारे जैसा नहीं है, ये शरीर सच्चिदानंद है, वो उसका दूसरा शरीर। इसका मतलब पहला विस्तार, भगवान एक से अनेक, विष्णु तत्व में एक से अनेक होते हैं। तो पहला जो भगवान का विस्तार है श्री कृष्ण का, तहारा द्वितीय देह श्री बलराम। तो उनका दूसरा शरीर श्री बलराम जी है। और तब कहते हैं
एक ही स्वरूप, दो ही कृष्ण और बलराम दोनों एक ही स्वरूप है। एक ही स्वरूप है का मतलब उनका तत्व एक ही है। वो अलग है, बोले क्या उसमें क्या अंतर है। यु कृष्ण लीला रसाया, उसमें अंतर क्या है। श्री कृष्ण का स्वरूप श्याम वर्ण है, वो श्याम सुंदर है, और बलराम जी गौर सुंदर है, वो बहुत सफेद जलधर पानी से भरे हुए बादल जैसे घनश्याम है, बस इतना अंतर है। आद्य काया व्यू, काया व्यू, काया व्यू का मतलब कृष्ण ने अपने शरीर से पहला विस्तार किया, काय के लिए किया, भगवान ने अपना विस्तार किया क्यों। कृष्ण लीला रसाया, भगवान की लीला में सहायता करने के लिए, भगवान की लीला में सहयोग के लिए। तो भगवान की कौन सी लीला है, सृष्टि लीला भगवान की सबसे बड़ी लीला है। भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं, ऐसे अनंत कोटि जगतों की सृष्टि करते हैं, जीवों को भगवान को पाने का मौका देते हैं। प्रलय काल में सब जीव सो जाते हैं अपने कर्मों के साथ, और भगवान करुणा करके कृपा करके सृष्टि लीला से उनको जगाते हैं, जैसे माँ बच्चे को जगाती है सुबह, ऐसे भगवान प्रलय की नींद से जगा के सबको कहते हैं उठो, भगवान का भजन करो, हरि गुण गाओ और हरि के धाम जाओ। तो ये भगवान की लीला है, उसमें सहायता के लिए बलराम जी जो है पहला विस्तार है। कहां से विस्तार होता है बलराम जी का, भगवान श्री कृष्ण के सीधे हाथ की तरफ से बलराम जी का प्रकट्य होता है, और वाम भाग की तरफ से उल्टे हाथ की तरफ से राधा रानी का प्रकट्य होता है। इन दोनों का एक ही उद्देश्य है, और दोनों गौर वर्ण के हैं, और दोनों का एक ही उद्देश्य है श्री कृष्ण की सेवा करना, श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, श्री कृष्ण के प्रेम में स्वयं तो परिपूर्ण है और दूसरों को कृष्ण के चरणों में लाना। ये दोनों गुरु के ऊपर कृपा करते हैं तब गुरु इस संसार के अंदर लोगों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो गुरु किसका प्रतिनिधि है, राधा रानी का और बलराम जी का। राधा रानी का कृपा की मूर्ति है, जैसे हम देखते हैं श्री प्रभुपाद को कृष्ण कृपा मूर्ति, तो कृपा किसकी, कृपामयी राधा है, दयामयी राधा है, उसकी मूर्ति है गुरु। गुरु कृपा करते हैं, गुरु गुरुदेव कृपा बिंदु, गुरुदेव जो कृपा का एक एक ड्रॉप देते हैं, एक बिंदु देते हैं, तो संसार के सारे कलमश और रोग नाश हो जाते हैं और भगवान की भक्ति जागृत हो जाती है, भक्ति का बीज देते। से ही कृष्ण नवदीपे श्री चेतना चंद्र, वही श्री कृष्ण भगवान नवदीप में 522-23 साल पहले श्री चेतना महाप्रभु के रूप में आए। से ही बलराम संगे श्री नित्यानंद, वही बलराम नित्यानंद के रूप में चेतना महाप्रभु के संग में आए, दोनों के कोई अंतर नहीं है। अब एक बात कही जा रही है कि भगवान का सहायक कैसे, सहायक कैसे हैं, सृष्टि लीला में सहायक करते हैं और भगवान की जो भी लीलाएं हैं उनमें सहायक करते हैं, सहायता करते हैं, शेष हैं। संकर्षण, संकर्षण ये बलराम जी का एक नाम है। जन्म से पहले भगवान श्री कृष्ण ने भागवत के 10वें स्कंद में ये कथा आती है कि 6 पहले गर्भ देवकी के कंस ने जन्म लेते ही पत्थर के ऊपर पटक के मार दिया, 7वें गर्भ में बलराम जी आए।
देवकी माता के सातवें गर्भ में बलराम जी आए भगवान श्री कृष्ण का आसन बनाने के लिए, क्योंकि भगवान का आसन बलराम जी है, शेष के ऊपर भगवान शयन करते। लेकिन भगवान ने देवी को मंगाकर आकाश में अपने गोलोक धाम में देवी को आदेश दिया, बलराम मेरा धाम है। बलराम मेरा धाम है का मतलब है ये चाहे इस भौतिक जगत की सृष्टि का कार्य हो या आध्यात्मिक जगत के सारे मेंटेनेंस का कार्य हो, क्योंकि आध्यात्मिक जगत की सृष्टि तो होती नहीं है, भगवत धाम की सृष्टि नहीं होती है, लेकिन वो सारे का सारा धाम बलराम जी है। बलराम जी अपने आप को विस्तृत करते करके आध्यात्मिक जगत पूरे का जो है वो जो जो है उसका संभालते हैं उसको, और भगवान की सारी लीलाओं में शेष के रूप में साथ रहते हैं। और शेष की भी परिभाषा ये है कि जो अभी पहली वो बात करते हैं कि भगवान ने कहा कि ये है तो नित्य रोहिणी का पुत्र, मेरे लिए स्थान बनाने के लिए देवकी के उदर में चले गए हैं। देवी आप एक काम करो भद्र शुभा, इसको यहां से खींच कर रोहिणी के उदर में स्थापित करो, और तुम इसको खींच के ले जाओगी तो इसका नाम संकर्षण होगा। और गर्ग आचार्य यदुवंशियों के पुरोहित हैं, वसुदेव ने जानते थे कि मेरा पुत्र एक तो बलराम जी से रोहिणी का नंदन गोकुल में रह रहा है, और नंद और यशोदा के वहां श्री कृष्ण को मैं छोड़ के आया हूं, दोनों का नामकरण संस्कार तो होना चाहिए। तो गर्ग आचार्य जब नामकरण संस्कार करने गए तब बलराम जी के तीन नाम रखे जो भगवान श्री कृष्ण ने उनके प्रकट से पहले योग माया को बताया था। पहला नाम कहा कि आप इसको खींच के ले जा रही हैं, इसके लिए इसका नाम संकृष्ण होगा। दूसरा, ये सबको आनंद देगा। आनंद कहां से मिलता है? आनंद है भगवान की भक्ति में। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, आनंद तब मिलता है जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, और भगवान का नाम इतना मीठा है, इतना मधुर है, उसके इतना अंदर इतना रस है, और इतना रस है उसके अंदर कि लाखों करोड़ कान हो तो भी पूरे नहीं पड़ते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं करोड़ तुंडावली करोड़ मेरी जबान हो कि आपके नाम का उच्चारण करें। तो ये जो भगवान का नाम है ये आनंद, और ये जपाने वाला जितने विश्व भर में नाम जपाने का कार्य कर रहे हैं वो सब कृष्ण बलराम जी की शक्ति से हो सकता है। प्रभुपाद जी प्रवचन 77 में देते हुए भुवनेश्वर में कहते हैं बल ही ने न बल की बलदेव की कृपा के बगैर कोई भी अपने आप की पहचान नहीं कर सकता है, न भगवान को पहचान सकता है, न आत्मा को पहचान सकता है। बलराम जी की कृपा के अतिरिक्त कोई भी आत्म साक्षात्कार कर ही नहीं सकता है, आध्यात्मिक रास्ते पर चल ही नहीं सकता है। ये आचार्य तत्व है। भगवान श्री कृष्ण सबके लिए पूजनीय, आराधना करना, उनसे प्रेम करना, और प्रेम दिखाने प्रेम कैसे प्रकट करेंगे, सेवा करना, ये सब जीवों का धर्म है। इसलिए चेतना चरित में लिखा है एकल ईश्वर कृष्ण आर सब धृत्य, भगवान ही एक स्वामी है बाकी सब सेवक हैं। लेकिन सेवक हैं हम, हमको सिखाए कौन के हमको सेवा करनी है भगवान की? नहीं तो इस दुनिया में सभी लोग अपने आप को स्वामी मानते हैं, समझते हैं कि हम ही दुनिया में भोग करने के लिए हैं, जबकि हमारा काम भोग करना नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है भगवान के, भगवान है भोगता और हमको बनना है सहायक, उनकी सेवा करके उसके भोग में सहायता करना है, तो हम अपने आप आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन ये सिखाए कौन? इसीलिए भगवान ने अपना ही विस्तार करके बलराम जी को सेवा सिखाने के लिए, राधा रानी को प्रेम सिखाने के लिए, सेवा और प्रेम का संपुट होगा, दोनों का मिलन होगा
एक ब्रज में एक अद्भुत लीला है। कृष्ण बलराम ग्वालपाल रोज ब्रज के अंदर वनों के अंदर गैया चराने जाते थे और पिकनिक मनाते थे। गैया चरने जाती थी और ये बच्चे खेलने लगते थे, तो कभी कबड्डी खेलते, कभी कुश्ती खेलते, कभी क्या खेलते जैसे बच्चे खेलते हैं। तो एक पक्ष में बलराम जी हो जाते थे, एक पक्ष में कृष्ण हो जाते थे, फिर वो अपने अपने भक्त सब एक एक गोप चुन लेते थे। एक बार बलराम जी गए नहीं, कुछ लीलाओं में बलराम जी के जाना नहीं हुआ, तो एक ऐसी लीला हुई बलराम जी नहीं गए। तो गोपों ने कहा कि भाई बलराम जी नहीं है कृष्ण के साथ, दूसरा किसको खड़ा कर ले। तो गोपियां भी कभी सखा भाव के रस का रसास्वादन करने के लिए, क्योंकि दिन में कृष्ण को देखती नहीं थी, कृष्ण ग्वाल बलाओं के संग तो सुबह सुबह चले जाते थे भोर में गैया चराने के लिए, और शाम को गोधूली के समय आते थी तो आते थे गोपियां गोप वेश धारण करके चली जाती थी वन में और दूर दूर से उनका दर्शन करती थी। तो आज गोपू ने राधा रानी को कृपा करके कहा कि आप बलराम जी का वेश धारण कर लो। राधा रानी को कपड़ा तो वो भी नीला पहनती है, आज उसको नीली साड़ी की बजाय नीली धोती करा दी, और बलराम जी जैसा पगड़ी वगड़ी बांध कर और अच्छी तरह से साक्षात बलराम जैसे, क्योंकि रंग में तो कोई भेद है नहीं, आज बलराम जी की जगह राधा रानी जो है वो गोरी जो है वो दाऊ जी बनी। और फिर जब कुश्ती होने लगी आपस में, तो कृष्ण और बलराम जी जब आपस में मिले तो राधा कृष्ण मिले, और राधा का स्पर्श होते ही कृष्ण आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कभी मुझे हुआ नहीं, क्या हो रहा है। और ये तो समझने की बात है, कृष्ण तो राधा के वश में हो जाते हैं। कृष्ण का नाम है मदन मोहन और राधा राम का नाम है मदन मोहन मोहिनी, और कृष्ण आकर्षित हो गए। बड़ा आश्चर्य लगा कि बलराम जी के साथ हमेशा हम करते हैं कुश्ती, लेकिन आज ये कुछ अद्भुत लग रहा है, क्या बात है। बलराम जी का पक्ष जीत गया। राधा रानी को कृष्ण ने कहा कि ये अभी तो बलराम जी ही समझ रहे थे, लेकिन जब जानते तो सब ही हैं कृष्ण, लेकिन लीला थी कि ये रूप आपका हमें बहुत पसंद है राधा रानी, तो आप हमारे साथ हमेशा रहेंगे इस रूप में। तो हाँ, अटल वन जो आजकल अटल राय चुंगी के नाम से वृंदावन में प्रसिद्ध है, बस उस अटल राय चुंगी से अंदर में राइट साइड, मतलब अगर मथुरा से आएंगे तो राइट साइड पे 100 मीटर जाएंगे तो गोरे दाऊ जी का मंदिर है, कहते हैं गोरे दाऊ जी, वो है राधा रानी। कहा कि इसी रूप में आप भी रहिए हमारे संग में, अटल रहिए, नहीं तो आप तो चंचल है, अटल नहीं हो सकते कृष्ण। तो ये जो गोरे दाऊ जी का स्वरूप है साक्षात राधा रानी बलराम जी के स्वरूप में, ये है गुरु तत्व, ये है गुरुओं को जितने गुरु संसार में, नाम से नहीं देश से नहीं, गुरु एक होता है जिसका काम है शिष्य को भगवान के प्रेम, भगवान का प्रेम और भगवान की सेवा की शिक्षा दे। ये सब राधा रानी के प्रतिनिधि है, बलराम जी के प्रतिनिधि है। तो बलराम जी का हम कह रहे थे, बलराम जी कृष्ण से प्रकट होते हैं, माया मात्र काया में भेद है, एक गोरा है और एक सांवला है। अब क्या करते हैं बलराम जी, संकृष्ण कारुण तोयशाई, एक तो संकृष्ण महासंकृष्ण आदि पहला संकृष्ण बलराम जी, उसमें से निकलते हैं तीन विष्णु, वही अपने आप को तीन विष्णु में परिवर्तित करते हैं, काय के लिए, सृष्टि के लिए। कारुण तोई तोई कहते हैं जल को, जिसको हम कहते हैं कारुण दक्षाई विष्णु, उदक शाही, उदक मतलब जल, कारुण सागर में शयन करने वाले विष्णु जिसको महाविष्णु कहते हैं, जिसके रोम कोपों से कई ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वो बलराम जी का विस्तार है। कारुण तोई विष्णु गर्भ साई च, और गर्भ सागर के ऊपर शयन करने वाले विष्णु जिसके पेट में ब्रह्मांड होता है,
और जिसकी नाभि से कमल और उसके ऊपर फूल और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, ये बलराम जी का दूसरा विस्तार है। पयोधी, पयोधीशाही, पयो कहते हैं दूध को, और पयोधीशाही का मतलब दूध सागर में सहन करने वाले विष्णु, जिसको हम क्षीरोदक्षाही विष्णु कहते हैं, जो परमात्मा सबके हृदय में कण कण में है, ये तीनों बलराम जी का विस्तार है। शेष चौथा शेष, भाई ये सृष्टि होगी तो कहाँ होगी, धरती के ऊपर होगी, तो धरती को धारण कौन करेगा, धरा धराय धरणी धराय, ये धरणी है, धरती है, इसको आधार, हाँ सपोर्टर ऑफ दिस प्लैनेट अपने फण के ऊपर करते हैं। शेष, शेष के रूप में च यस्या अंश कलहा च नित्या, ये सारे ही बलराम जी के अंश और कलाएं हैं, कोई अंश है कोई कला है। नंदाख्या राम शरणम ममास्तो, ऐसे बलराम जी का हम शरण लेते हैं जो पांच पांच में विस्तृत होकर, एक से पांच होकर श्री कृष्ण के लीला के सहायक बनते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, जो मूल संकर्षण है, संकर्षण की एक परिभाषा, ये नाम जब गर्गाचार्य ने रखा तो गर्गाचार्य जब आए तो नंद बाबा ने कहा आप जैसा ज्योतिष का मूर्तिमान विद्वान पधारे हो तो मेरे बालकों का नाम तो रख दो। गर्ग ने कहा कि हम तो यदुवंशियों के पुरोहित हैं, अगर आपके बच्चे का नाम रखेंगे तो कंस को पता लग जाएगा, वो वैसे भी वसुदेव के बच्चों को ढूंढ रहा है। नंद ने कहा किसी को पता नहीं लगने लग देंगे, हमारे महल के अंदर जो गौशाला है जिसके अंदर कृष्ण बलराम के लिए दूध का प्रबंध होता है, उसी गौशाला में जो लेपी पोथी पहले पड़ी है, बस स्वस्ति वाचन करके नामकरण कर लो, दोनों माताएं होंगी, दो बच्चे होंगे और एक में बस पांच आदमी हम छठे आप, तो पहले बलराम जी का नाम रखते, कहते इसका नाम संकर्षण। भगवान ने कहा था इसका नाम संकर्षण क्योंकि आप देवकी के उधर से रोहिणी के उधर में ले जा रहे हो, यहां कहते हैं दूसरा इसका संकर्षण का कारण क्या है नाम का, बोला संकर्षण का अर्थ है दो कुलों के बीच में सेतु बनेगा, यदुकुल के बीच में और गोप नंद आपके बीच में ये सेतु बनेगा, दोनों को जोड़ के रखेगा, ये संकर्षण है। बोला तीसरा भी एक संकर्षण का अर्थ है, और ये संकर्षण का अर्थ है जीवों को, भूले भटके जीवों को संसार से खींच खींच कर लाके श्री कृष्ण के शरण में और चरण में पहुंचा देगी। ये जो भगवान श्री बलराम जी के हाथ में हल आयुध है, इस हल से आज हम प्रार्थना करें कि हमारे हृदय के अंदर जो भी कचरा है, काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर और कई जन्मों से भोग की वासना है, इन सब को अंदर से उखाड़ के बाहर फेंक दें, और जो असुरी हमारे अंदर जितने भी भावनाएं वासनाएं हैं उनको मूसल सर के ऊपर मारकर, मूसलधर उसका नाम है, एक बलराम जी का आयुध हल है और एक मूसल है, यह असल में हमारे हृदय का शोधन जब करेंगे। और वैसे एक जगह प्रभुपाद जी बहुत अद्भुत उदाहरण देते हुए कहते हैं कि बलराम जी हमारे कृषि के आचार्य हैं, हाथ में हल उठाया हुआ है, और बलराम जी हमारे गौ रक्षा के आचार्य हैं, वो गोपाल है और ये वो गोपाल और ये भूपाल, ये भूमि को पालन करने वाले हैं और ये गाय की पालन करने वाले, एक गोपाल है एक भोपाल है, तो एक जो भूपति है एक गोपति है, और ये दो हमारे आचार्य हैं। तो एक बात समझ लीजिए, जहाँ गौ नहीं, जहाँ कृषि नहीं, वहाँ सुख नहीं, वहाँ शांति नहीं, वहाँ कृष्ण नहीं, वहाँ बलराम नहीं। सब लोग अपने जीवन में हरा भरा होना चाहते हैं, हमारा जीवन हरा भरा हो, सुख समृद्धि हो, अरे भाई हरा रंग बनता कैसे, हाउ द ग्रीन रंग कलर इज फाउंड, ग्रीन कलर इज फाउंड बाय मिक्सिंग टू कलर्स, कौन से दो कलर को मिलाएंगे तो ग्रीन बनेगा, ब्लू एंड येलो, कृष्ण का रंग कैसा है, ब्लू,
राधारानी का रंग कैसा है, ये लो तब तक कंचन गौरंगी, बलराम जी भी गोरा है। ये जहां राधा कृष्ण है, जहां कृष्ण बलराम है, वहां हरियाली है, वहां सुख है, वहां शांति है, वहां समृद्धि है। और जो पृथ्वी से नहीं जुड़ा, जो गौ से नहीं जुड़ा, वो कृष्ण बलराम से नहीं जुड़ सकता है, वो राधा कृष्ण से नहीं जुड़ सकता है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, यही हमारी संस्कृति की समृद्धि थी। और इसको आज आधुनिक, जिसको कहा जाए कि मैकेनिकल और मशीनों ने निष्ट नाबूद कर दिया है, समाप्त कर दिया है, इसलिए कहीं सुख नहीं, शांति नहीं, गौ हत्या हो रही है। और जहां गौ का रक्त धरती पे गिरता है, तो ये ऐसे ऐसी महामारी जैसे अब पूरा विश्व हाहाकार कर रहा है करुणा के कहर से, ऐसे सुनामी, ऐसे बड़े संकट और महाभारी जो है युद्ध और महामारी आती है, उसका कारण ही है जो हमने अपने धर्म के अंदर, ये भगवान अवतार लेके अपने कंधे के ऊपर हल उठा के कृषि का काम करते हैं, और हम सब जाके कारखानों के अंदर प्रभुपाद कहते हैं नट और बोल्ट बनाते हैं। क्या नट बोल्ट खाने से पेट भरेगा कि अनाज खाने से पेट भरेगा? सो संकृष्ण नाम है और ये सबको आनंद देंगे, इसलिए इसको राम कहेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दस अवतार स्तोत्र के अंतर्गत आचार्य गण कहते हैं कि तीन राम हैं भारत संस्कृति में, एक श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम, एक परशुराम धर्म रक्षक अधर्म का विनाश करने वाला, और तीसरा बलराम, ये भी राम है। सो एक इसका नाम राम होगा और एक इसका नाम बलभद्र होगा, इसके पास बल होगा, ये बड़ा बलशाली होगा, लेकिन इसका बल कल्याणकारी होगा, भद्रा करने वाला होगा। तो श्री भगवान श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, मूल संकर्षण है, पंच रूप धरी कौरे कृष्णेरा सेवना, पांच रूप से कृष्ण की सेवा करता है, पांच रूपों का वर्णन करें उसके साथ पांचों रसों में कृष्ण की सेवा करता है। बलराम सर्व्स कृष्णा इन फाइव मेलोस, पांचों रसों में सेवा करता है, सात रस में धाम बन जाता है, आसन बन जाता है, सब कुछ कृष्ण का, क्या जो पैराफेरेलिया है, जो कृष्ण की सामग्री है, वो सब बलराम जी का विस्तार है। उनका सोने के आसन पलंग से लेके बैठने के आसन से लेके सब कुछ बलराम ही विस्तृत होता है। दास रस में तो बलराम जी सदा ही कृष्ण के सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, सखा में तो सखाओं के संग में सखा है ही, लेकिन बड़े भाई के नाते वात्सल्य रस का भी मूर्तिमान स्वरूप है, और माधुर्य रस में अनंग मंजरी के रूप में राधा रानी के सेवा में गोपियों की संग में बलराम जी अनंग मंजरी बन के माधुर्य रस का भी रस आस्वादन करते हैं। तो पांच रस में भी सेवा करते हैं और पांच रूप में भी सेवा करते हैं। तो ये पांच रूप कौन से, अभी जिनके नाम लिए दोबारा, पहले संस्कृत में लिए हैं, अब मधुर बंगाली में सुन लीजिए। आपने कोरे न कृष्ण लीला रसाय, अपने आप कृष्ण की लीला में सहायक बनते हैं, राम जी के संग लक्ष्मण के रूप में आते हैं, कृष्ण के संग बलराम जी के रूप में आते हैं, चैतन्य महाप्रभु के संग में नित्यानंद के रूप में आते हैं। सृष्टि लीला र कार्य कोरे ध्वरी चार काय, और चार ओर रूप धारण करके सृष्टि लीला में भाग लेते हैं, सृष्टि भाग क्या लेते हैं, सृष्टि लीला को करते हैं। तो सृष्टि लीला कैसे करते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी एक बार लिखा कि भगवान की एक तो है रास लीला, जो भगवान सुंदर रास लीला करते हैं, और अधिकारी जो नहीं है उसको सुनने में बहुत बड़ा रुचि लेते हैं, उसको सुनने में बड़ा आनंद लेते हैं, और उसको कहने में लेते हैं, लेकिन जानते नहीं कि रास लीला है क्या। रास लीला काम के ऊपर विजय प्राप्त करने की लीला है, ये काम के बढ़ाने की लीला नहीं है, ये काम के रोग, हृदय के काम के रोग को नाश करने की लीला है। लेकिन सृष्टि लीला को ये सुनना नहीं चाहते। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी श्रील प्रभुपाद
अपने प्रचार काल में जब राधा कुंड में आए थे, सबने समझा कि ये तो राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन करेंगे, लेकिन वहां तो वो सृष्टि लीला का वर्णन करने लगे। सबने कहा ये क्या है? बोलो भगवान की सृष्टि लीला उतनी भक्तों को प्रिय है जितनी भगवान की रासलीला प्रिय है। सृष्टि लीला ऐश्वर्य लीला है, रासलीला माधुर्य लीला है, सर्व रस मनोरम है, लेकिन दोनों है तो एक ही भगवान की लीला है ना। तो सृष्टि लीला भी उतनी ही प्यारी है भक्तों को जितनी रासलीला प्रिय है। तो सृष्टि लीला के लिए बलराम चार रूप धारण करते हैं, कौन से? सृष्टि आदि का सेवा तारा आज्ञा पालना, भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए सृष्टि का कार्य करते हैं। कैसे? शेष रूप, हाँ चार रूपों में, कौन से चार रूप हो गए? कारण दक्षाय विष्णु, गर्भदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और स्वयं शेष, इस धरणी को धारण करने के लिए। शेष रूपे करे कृष्णार विविध सेवना, और शेष के रूप में, शेष की एक परिभाषा है, जो कार्य भगवान नहीं करते हैं, जो बचे हुए शेष कार्य हैं वो सब श्री बलराम जी करते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो केवल मधुर लीलाएं करते हैं, बाकी सारे कार्य, सृष्टि का कार्य बलराम करते हैं, असुर संहार का कार्य भी बलराम करते हैं। ये सारे कार्य, जो सारे अवतार कहाँ से आते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं। सारे अवतार जितने हैं गर्भोदक्षाय विष्णु से आते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु से आते हैं। और ये दोनों कहाँ से निकले? बलराम जी से। इसका मतलब सारे अवतारों का स्रोत स्रोत तो बलराम जी, और धर्म की स्थापना ये करते हैं, असुरों का संहार ये करते हैं। श्री कृष्ण तो केवल बांसुरी बजाते हैं, ग्वालवाल और गोपियों के संग में मधुर मधुर विहार करते हैं, बस उनका यही काम है। तो ये शेष सारे काम शेष करता है, जो शेष काम है वो शेष करता है। एक महात्मा कहते थे सीता के साथ राम जी रमण करेंगे, लेकिन सुरपंखा का नाक काटने और कान काटने का शेष काम शेष बलराम जी करेंगे, ये तो लक्ष्मण जी का कार्य है, ये शेष कार्य तो उनको ही करने। अब देखेंगे तो बलराम जी भी तीर्थों का भ्रमण करने गए हैं, नित्यानंद भी तीर्थों का भ्रमण करने गए हैं, ये सिखाने के लिए कि ये सब भगवान की लीला स्थलियों का भ्रमण करना चाहिए। तो ये चार रूपों में आज्ञा का पालन करके सेवा करते हैं बलराम जी। सर्व रूपे आस्वाद्य कृष्ण सेवा आनंद, इन सब रूपों में बलराम जी श्री कृष्ण की सेवा का आनंद स्वयं लेते हैं और दूसरों को सेवा में लगाकर आनंद प्रदान कराते हैं। सेई बलराम गौर संगे नित्यानंद, वही बलराम चेतन महाप्रभु के संग में नित्यानंद के रूप में आए हैं। तो ये है तत्व। तो आज बलराम जी का तत्व क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विस्तार, और जिस विस्तार के माध्यम से सृष्टि, पूरी सृष्टि का कार्य, और सृष्टि के कार्य के बाद दूसरा कार्य आध्यात्मिक जगत की सब चीजें बनना, और तीसरा भगवान के अवतार काल में उनके साथ में लीला का सहायक बनना, ये बलराम जी का तत्व है। और ये सेवा सिखाना गुरु, प्रथम गुरु आदि आचार्य बलराम जी, इसलिए ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। नायम आत्मा बलहीने न लभ्या, बलदेव की कृपा नहीं है, बलदेव के बगैर कोई भी ना अपने आत्मा को ढूंढ पाएगा, ना आत्मा के स्वरूप को ढूंढ पाएगा, ना आत्मा के आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। बलराम जी की कृपा से ही ये संभव है। और अब एक बलराम जी के सारे लीलाएं और उनकी महिमा का एक स्तोत्र है, उसको पाठ कर लेते हैं। सुबह भी हमने इसका पाठ किया था, ये बड़ा अच्छा सुंदर गर्ग संहिता में बलराम जी के इस अस्तोत्तर में 8 श्लोकों में सारी लीलाएं आ जाती हैं, और फिर शिक्षा बलराम जी की आज सुबह हमने बोली थी, अगर समय मिलेगा तो करेंगे। पहला है देव देव भगवान काम पाल नमोस्तुते। बलराम जी आप देवताओं के आदि देव हैं, आप सबकी इच्छा पूरी करने वाले हैं। हमारी इच्छा क्या है? कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना, और इस इच्छा को पूरी करने की आप हमारे ऊपर कृपा करते हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। नमो अनंताय शेषाय
आप अनंत हैं, अनंत आपके अनंत, अनंत के रूप में आप भगवान इस धरती को धारण करते हैं, अनंत शेष के रूप में धरती को धारण करते हैं। साक्षात रामाय, आप सबको आनंद देने वाले साक्षात राम हैं। राम कहते हैं आनंद को, ते नमः, आपको नमस्कार करते हैं। धरा धराय पूर्णाय, आप इस धरती को धारण करते हैं, आप परिपूर्ण है। स्वधामिने शीर पाणये, अब भगवान का धाम है, आपके हाथ में हल है। शीर कहते हैं हर को, हल को, और पाणि कहते हैं हाथ को। सहस्र सुरसे नित्यम, आपके हजारों फन हैं, और ये पृथ्वी इस फन के ऊपर एक राई के दाने की तरह, मस्टर्ड के सीड की तरह पड़ी है, आप उसको धारण करने वाले हैं। नमः संकृष्णाय, हे संकृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। और अब लीला की बात आती है। रेवती रमणा, रेवती बलराम जी की नित्य प्रियसी है रेवती, महाराज रेवत की पुत्री, जिसका विवाह रेवत महाराज विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी से पूछने गए थे, और ब्रह्मा जी के लोक में थोड़ा विलंब हो गया, वहाँ गान चल रहा था गंधर्वों का। ब्रह्मा जी ने पूछा कैसे पधारे रेवत कुमार, बोला मेरी बेटी रेवती का विवाह करना है, ये राजा पृथ्वी पे हैं। बोला वो तो समय समाप्त हो गया, ब्रह्मलोक में 10 मिनट बीचे तो नीचे तो 10 युग बीत गए, लेकिन बलराम जी इस वक्त में यदुवंश श्रेष्ठ यदुमणि है, आप ले जाइए रेवती का विवाह उनके साथ कर दीजिए। तो आज भी रेवती और बलराम जी दाऊ जी, जो ब्रजमंडल में दाऊ जी हैं, वहाँ बहुत सुंदर बड़ा बलराम जी का 8 फुट का कोई विग्रह होगा, 7 फुट का, और उसके सामने रेवती सामने खड़ी है देवी, तो ये रेवती रमण है। रेवती रमण त्वम वही, आप ही तो रेवती रमण हो। बलदेव अच्युत अग्रज, बल का बल के आप देव हो। सब कौन सा बल, वो बल जिससे आत्मा का साक्षात्कार किया जाए, वो बल जिससे भगवान की सेवा कर दिए की जाए, जिस बल को कोई भी रास्ते में रुकावट न डाले। अब प्रतिहिता जो भक्ति करे, जिस भक्ति में कोई रुकावट नहीं पड़े, वो बलराम जी की कृपा से प्राप्त होती है, और बलराम जी के प्रतिनिधि गुरुजनों की कृपा से प्राप्त होती है। अच्युत अग्रज, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में आए, लक्ष्मण के रूप में छोटे भाई बन गए, तो लग को बहुत से ऐसे कार्य करने पड़े। राम जी के कहने के ऊपर सीता को वन में छोड़ के आने के लिए जाना पड़ा वाल्मीकि जी के आश्रम में, सीता के लिए अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ी ला के खड़ी करनी पड़ गई। लेकिन आज बलराम जी ने, लक्ष्मण ने सोचा कि अब कृष्ण की लीला में बड़ा भाई बन के जाऊँगा, छोटा बन के सब कुछ मानना पड़ता है, बड़ा बनूंगा तो आज्ञा करूँगा, तो आज पहले आ गए बल्ले बड़े अग्रज, अग्रज का मतलब बड़े भाई। अच्युत अग्रज हल आयुध, आयुध कहते हैं हथियार को, हल आपका हथियार है, यही आपका शस्त्र है, हाँ शस्त्र है। और प्रलम्बघ्न, प्रलम्बासुर का वध करने वाले, ये कृष्ण लीला में वृंदा ब्रज की लीला में 2 असुरों का वध बलराम जी ने किया है, वृंदावन की लीला में पहला धेनु का सुर का, जो गधे की तरह भार उठा के घूम रहा था, और सुख न स्वयं खा ले रहा था, न किसी और को लेने दे रहा था, और उसका बलराम जी ने उधार किया, ये धेनु का सिर उधार की लीला है। हम सब आर के हृदय में ये गधे की तरह मजूरी करके जिंदगी भर ऐसे भागा दौड़ी करके और झूठे बुद्धि के द्वारा अपने आप को प्रतिष्ठित और सम्मानित करना, ये धेनु का सुर का दोष है, और इस अपराध का बलराम जी घनन कर सकते हैं केवल गुरु के रूप में, और कोई नहीं कर सकता है। ये देह का अध्यास भी है, अहंकार भी है, गधापन भी है, तो एक और दूसरा प्रलम्बासुर का वध किया, जो बेश बदल के ग्वालमाल बन के आ गया। और इसको भी कहते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये निर्विशेषवाद है। हाँ, मैं भी ग्वालबाल, आप भी ग्वालबाल, अरे कोई भी ग्वालबाल थोड़ी है, ग्वालबाल भगवान के नित्य सखा है। जो ग्वालबाल बन सकता है वो कृष्ण बनने का भी, जैसे जैसे मायावादी करते हैं ऐसे हम भी भगवान बन जाएंगे, मैं भी भगवान तुम भी भगवान, तो इसका भी विनाश केवल गुरुदेव की शिक्षा करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के मंत्र में शून्यवादी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतार ने निर्विशेष और शून्यवाद को नाश किया,
तो ये शून्यवाद का प्रतीक है कौन, और निर्विशेषवाद का प्रतीक है कौन, प्रलम्बासुर। इसका वध केवल बलराम कर सकते हैं क्योंकि गुरु तत्व है। तो रेवती रमन त्वम वही बला बलदेव अच्युत अक्रज हल आयुध प्रलम्बा घना पाई माम पुरुषोत्तम। हे पुरुषोत्तम मेरी रक्षा करो, हे पुरुषोत्तम मेरी रक्षा करो। और अब कहते हैं बलाय बलभद्राय, आपका बल बड़ा भद्र है, सबकी रक्षा करने वाला है। ताल अंकाय, आपके रथ के ऊपर ताल वृक्ष का अंक है, ताल वृक्ष बड़ा लंबा ताल, क्योंकि ताल वन के अंदर धेनु का सुर को मारा था और ताल का वृक्ष ही उनकी ध्वजा के ऊपर रथ के ऊपर विराजमान है। तो जैसे कृष्ण को गरुड़ ध्वज कहते हैं ऐसे बलराम जी को ताल ध्वज कहते हैं और अर्जुन को कहते हैं कपि ध्वज। भीष्म पितामह सिंह ध्वज थे, उसके ध्वजा के ऊपर शेर का चिन्ह था। तो आगे लिखते हैं ताल अंकाय नमो नमः नीलांबराय गौराय। आप तो नीले कपड़े पहनते हैं, बिलू कपड़े पहनते हैं। क्यों बिलू कपड़े पहनते हैं? क्योंकि कृष्ण का रंग नीला है, उससे हमें इतना प्यार है, वो हमारे अंदर भी और हमारे बाहर भी कृष्ण, वो कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं देखना चाहते हैं। उनका दर्शन भी केवल कृष्ण का ही करना है और किसी का नहीं करना है। तो कृष्ण के रंग जैसे कपड़े पहनते हैं। आज सुबह हम कह रहे थे कि नंदगांव में जाएंगे तो कृष्ण का रंग भी सांवला और बलराम का रंग भी सांवला। अरे बलराम सांवला रंग क्यों कहा? बलराम ने कहा जितने असुर यहाँ आते हैं वो मेरे छोटे भैया को मारना चाहते हैं, तो मैं इसके ही रंग और इसके कपड़े पहनूंगा, इसके रंग जैसा रंग कर लूंगा, तो गलती में मुझे उठा के जाएंगे, मैं उनको मार दूंगा, मेरे भैया कोई संकट नहीं आएगा। ये है वात्सल्य और रक्षा का भाव। तो नीलांबराय गौराय, रंग के स्वयं गोरे हैं, बहुत सफेद हैं। रोहिणीये, रोहिणी के पुत्र हैं, रोहिणीये जैसे कौनते अर्जुन है ऐसे रोहिणीये ते नमः, हे रोहिणी सुत आपको नमस्कार करते हैं। धेनुकारी, अब कौन से असुर मारे हैं? एक आपको सुनाया पलम्ब और अब योर को धेनुकारी, धेनुका के शत्रु, धेनुका को मारने वाले मुष्टिकारी। ये है मथुरा लीला, मथुरा में कंस के बहुत बड़े रेसलर जो कुश्ती करने के लिए आए थे, मुष्टिक को तो बलराम जी ने पटका और चारों को कृष्ण जी ने। तो मुष्टिकारी कूटारी, और इन दोनों को मारने के बाद खल तोशल कूट आए, इन सबको बलराम जी ने, कूट को बलराम जी ने मारा। बलवल अंक, बलवल अंत कहा, बलवल ये द्वारका लीला के समय जब बलराम जी ने महाभारत के युद्ध में भाग न लेने का निर्णय कर लिया, तब वो नैम शरण्य में आए और ऋषियों के कहने के ऊपर के एक बलवल नाम का असुर है जो हमारे यहाँ तपस्या में और यज्ञ और पूजा में भंग करता है, तो बलराम जी ने बलवल नाम के एक राक्षस का अंत किया। तो बुलंद शहर जैसे अभी है उत्तर प्रदेश में, इस क्षेत्र में बलवल का राज था कहते हैं, उसका वध किया। बलवल अंत का रुक्मी अरी, ये भी द्वारका लीला में, रुक्मणी के भाई रुक्मी, कृष्ण से तो उसको बचाया लेकिन प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध के विवाह में जब गए तो चौपट रान खेल रहे थे और बलराम जी को ग्वाला कहा कि इसी नहीं खेल सकता है, तब क्रोध आया और उसी विवाह में जिस पुत्री का विवाह हो रहा है उसके पिता का वध कर दिया। रुक्मी अरी, ये रुक्मी भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करता था, रुक्मणी का विवाह कृष्ण के साथ नहीं करने दे रहा था। बलराम जी ने उस बाधा को, या रुक्मी अरी कूप कुमारी कुंभ नाद हरी तुम ही एवा, ये दो और असुरों का नाम है जो भागवत में तो नहीं मिलता है, अन्य पुराणों में ये दो और असुर है जो बलराम जी ने मारे है। कालिंदी भेदन हो तुम असी, कालिंदी का भेदन करने वाले, ये शेष शेरगढ़ के पास जमुना कई धाराओं में बट गई है, बलराम जी ने अपने हल से उसको अपनी ओर खींचा है। और हस्तनापुर कर्कश, और हस्तनापुर सारी को हल से खींचकर जमुना में डुबाना चाह रहे थे, जब जामती सुत सांबा के विवाह के लिए दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का अपहरण करके जा रहा था सांबा, तो कौरवों ने बंदी बना लिया था
और बलराम जी ने समझाया, नहीं समझे तो पूरी हस्तिनापुर को जब डुबाने लगे तो हाहाकार मच गया, सबने आके शरण ले लिया, सबने आके शरण ले लिया। नेटवर्क साउंड ब्रेक हो रहा है, ये क्यों नेटवर्क है, खत्म तक टाइम थी गया। कालिंदी भेदनो असी तुम हस्तनापुर करकशा द्वेदारी, एक और राक्षस मारा था द्वारका लीला में भगवान श्री बलराम जी ने, वो था द्रविड़ गोरंगा, और द्रविड़ गोरा गोरेला प्रभुपाद ने लिखा है द्रविड़, ये असल में राम जी की सेना में गया था लेकिन लक्ष्मण जी का अनादर कर लिया, आचार्य का अनादर कर लिया, वैष्णव अपराध हो गया, परम गुरु अवतार अपराध हो गया, ये भगवान की सेवा करने के बाद भी उस ऊपर के स्तर से पतन होकर असुर बन गया, और द्वारका लीला में बलराम जी ने इस द्रविड़ का वध किया। द्रविड़ अरि यदु न यादवेंद्र हो, यादवेंद्र यदुवंशियों के इंद्र हो, इसका मतलब यदुवंशियों में श्रेष्ठ पूजन्य हो आप, कितना कृष्ण से प्रेम करते हैं। कृष्ण जब रात रात में ब्राह्मण रुक्मणी का संदेश लाया और कृष्ण द्वारका से कौंडनीपुर के लिए निकल चुके, सुबह उठते ही बलराम जी ने कृष्ण को नहीं देखा, आशंका हुई कि हमारे शत्रु वहाँ जरासंध होगा, शिशुपाल होगा, दंडवकर होगा, विदुरथ होगा, साल्व होगा, एक अक्षौणी सेना लगकर दूसरे सुबह तक तो वहाँ भी वह भी पहुँच, बलराम जी भी पहुँच गए और सबके साथ यदुवंशियों ने युद्ध करके और रुक्मणी हरण में कृष्ण का सेवा किया। तो ये लीला जो है यादवेंद्र यादवेंद्र ब्रजमंडल मंडन केवल द्वारका का नहीं यादवों का है लेकिन ब्रजमंडल का भी, ये बहुत सुंदर मंडप उसका बहुत सुंदर श्रृंगार है ब्रजमंडल मंडन। अब एक श्लोक है पूरा करते हैं, कंस भ्रातृ प्रहंतसी, कंस को तो भगवान श्री कृष्ण ने मारा लेकिन उसके भाइयों का वंद सब का वंश विनाश कर दिया। बलराम जी आपने तीर्थ यात्रा कर प्रभु, और आपने सारी तीर्थों की यात्रा की, दक्षिण भारत के सारे तीर्थ न उत्तर भारत के सारे तीर्थ सब पवित्र नदियों में आपने भ्रमण किया। दुर्योधन गुरु साक्षात, आप दुर्योधन के गुरु हैं, समन्तक गणी के मणि को ढूंढते हुए कृष्ण बलराम जा रहे थे, मणि नहीं मिल रही थी, मणि तो ले गया था अक्रूर, और अक्रूर मणि से रोज के सोने से कर रहा था सेवा काशी में, और बलराम जी यहाँ से चले गए और जाके दुर्योधन को जो है युद्ध सिखाया था और काशी की तरफ ही चले गए थे। और फिर अब आखिरी शब्द है, दुर्योधन गुरु साक्षात पाही पाही प्रभो, हमारे ऊपर कृपा करो, रक्षा करो, हे बलराम जी हमारी रक्षा करो। जय जय अच्युत देव परा दे दे, जय जय अच्युत देव परात परा, आप भी अच्युत हैं, कभी अपने भक्तों की रक्षा में चूकते नहीं है, हे अच्युत आप देवों के देव हैं, परात पर हैं, सबसे ऊपर हैं, स्वयं स्वयं अनंत दिख अनंत गत श्रुत, अनंत गत सब रास्तों के ऊपर, कोई भी भटका हो वापस लाएंगे और आप कथा सुनाएंगे, श्रोत सब कुछ सुनना आपसे चाहिए। सुर सुर मुनिंद्र सुर देवता मुनिंद्र फणिंद्र चायते, हरे कृष्ण, सुर देवता मुनिंद्र जितने बड़े मुनि हैं, फणिंद्र जितने बड़े सांप हैं, उन सब के आप स्वामी हो। सुरा मुरिंदर फणिंदर चायते मूसली ने बली ने हली ने नमः, हाथ में मूसल रखते हैं, हल रखते हैं, बली ने बड़े बलशाली है, आपको हम नमस्कार करते हैं। इन शब्दों के साथ बलराम जी के आवरधाम भाव पे बलराम जी को प्रणाम करते हैं। हमारे हृदय में जो भी अपराध हैं दोष हैं उन सबको से मुक्त करे और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रदान करे, में सहायता करे, आशीर्वाद करे। इन शब्दों के साथ आज के बलराम जी के इस सुंदर
आविर्भाव तिथि के ऊपर, रक्षाबंधन के दिन के ऊपर आप सबको पुनः एक बार बधाई देते हुए, अगर आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हमने आज केवल बलराम जी के कुछ लीलाएं, ये अस्तोत्र जो पढ़ा हमने, ये गर्ग संहिता में है, बड़ा सुंदर स्तोत्र है, और बलराम जी के तत्व का वर्णन किया। आपका कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा।